चुका आपका अपने चैनल में, जिसमें आपको व्लॉग अच्छे अच्छे व्लॉग कराए हैं मैंने, जितने भी महादेव हैं उन सब के करवा चुका हूँ। अब चार जो उतर लेंगे हमारे मथुरा में, जिनमें से दूसरी पे मैं लेके जा रहा हूँ, जिनका नाम रंगेश्वर महादेव है, और उनके आज मैं दर्शन करवाने वाला हूँ। और मेरे साथ आज मेरे दोस्त, इनका नाम मयंक वर्मा और ये विष्णु और मयंक मिले हैं, जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड हैं। तो आज मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करने जाने वाले हैं। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो ये पीछे वाला गेट है, एग्जैक्टली ये वो गेट नहीं है जो मेन है, जो मेन डोर है वो होली गेट से आप जब सीधे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ नज़ारा दिखेगा इस टाइप का, और बहुत ही अच्छा मतलब मंदिर है महादेव का, जो कि हमारे दूसरा ऐसा मंदिर है जो कि चार ज्योतिर्लिंगों से एक है, जो कि प्रथम पृथक नाम मैंने आपको बतला चुका हूँ, जो कि सबसे पहले है पिपलेश्वर महादेव, उसके बाद है हमारे रंगेश्वर महादेव, उसके बाद है हमारे भूतेश्वर महादेव, और उनके बाद आपको पता ही है कौन है, बताऊँ सही में बताऊँ? तो वीडियो को पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नाम मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ आज रंगेश्वर महादेव दिखाई दे रहा है, जो कि आज मैं सावन के दूसरे सोमवार पे आया हूँ, और ये मंदिर में काफ़ी सारी भीड़ है जो कि दर्शन करने आई हुई है टोटली, और यहाँ पे बहुत ही भव्य दर्शन है हमारे रंगेश्वर महादेव के, और जो कि आप दर्शन करोगे मेरी वीडियो के माध्यम से, और मैं अभी दर्शन भी कराने वाला हूँ। पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी, और वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहना है। यहाँ पे छोटे बड़े सारे मंदिर हैं, बट हमारे जो रंगेश्वर महादेव हैं जो मेन है स्थापित है, जो कि काफ़ी टाइम से इस पूरे मथुरा के क्षेत्रपाल हैं। तो चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं। तो वेट एक मिनट ओनली, मैं थोड़ा सा जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि भीड़ बहुत है, तो मेरे को दर्शन देखता हूँ, तो दिखते हैं कि नहीं महादेव। तो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे भीड़ है प्लस गर्मी भी है, दोनों ही चीज़ें। तो आप देख सकोगे अब हमारे रंगेश्वर महादेव को, जो कि हमारे क्षेत्रपाल हैं मथुरा के, और ये चार ऐसी ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ मथुरा में, जो कि चारों दिशाओं में स्थापित हैं, जैसे पिपलेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और हमारे रंगेश्वर महादेव। तो आप सभी लाइव दर्शन कर पा रहे हो। जय महाकाल। सावन के दूसरे सोमवार में मैं आज आपको लेके आया हूँ रंगेश्वर महादेव के दर्शन कराने, उनके उससे पहले मैंने आपको कराए थे भूतेश्वर महादेव के दर्शन, क्योंकि आपने किए थे कि हमारी माता रानी है देवी माँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, और मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इरिटेशन हो रही है, मेरा हाथ भी अच्छे से स्टेबल नहीं रह पा रहा है, और मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। लक्ष्मी जी, तो एक विष्णु जी और लक्ष्मी जी का भी एक छोटा सा मंदिर है, भी विष्णु हैं जो शेषनाग पे इस समय राजवाना आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे से, और यही सामने हमारे रंगेश्वर महादेव राजवाना भी हमने आपको दर्शन कराया यहीं से, एक बार सब वेट करना, यहाँ से दर्शन हो जाएंगे आपको, आई थिंक पूरा मंदिर दिखता है यहाँ से। तो हमारे यहाँ पे नंदेश्वर जो कि नंदी है महादेव के साथ हमेशा रहती हैं, तो वो भी आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, और काफ़ी भव्य दर्शन कर पा रहे हो आप मेरे माध्यम से, और काफ़ी अच्छे दर्शन हो रहे हैं आप सभी को, तो लाइव कर रहे हो आप ये सावन के दूसरे सोमवार। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि यहाँ पर दर्शन करना मतलब समझ लो साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हमारे शिव के। तो आप वीडियो को वॉच कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपने वीडियो शेयर कीजिए। अरे रंगेश्वर महादेव की परिक्रमा है, तो वो मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने जैसा कि बताया था आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, बट जो हमारे महादेव हैं वो यहाँ पे बहुत
ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ बाहर निकल लेगी, पर पूरी परिक्रमा देगी, मैं बाहर निकलने वाला हूँ। उसके बाद आपको पूरे दर्शन कराने वाला हूँ पूरे मंदिर के, और पूरे मंदिर को मैं दिखाने वाला हूँ। सावन के दूसरे सोमवार में आपको पूरे दर्शन करा रहा हूँ मैं, और मैंने आपको भूतेश्वर महादेव के तो करा ही दिए हैं ऑलरेडी, फर्स्ट सोमवार को आपने किए थे, और अच्छे से आप यहाँ भी करोगे। तो देखते रहना गिरिराज महाराज, यहाँ पे एक छोटी सी, मैंने जैसा कि बताया था यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे, परिक्रमा कंप्लीट होने वाली है और मैं परिक्रमा देखे अब आपको फाइनली यहाँ से निकलने वाला हूँ और आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो ये हमारे हनुमान जी, हनुमान बाबा से करीब आ रहे हो। उसके बाद अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट सोमवार को, हम किसी और महादेव जी के दर्शन कराने वाले हैं, जो कि आप करोगे मेरी वीडियो की। और इससे ना आगे हम पीछे से आए थे, पीछे से शॉट पड़ता है मेरे यहाँ से, तो मैं इसलिए वहाँ से आया था। फाइनली पूरा शूट हो चुका है, शूट होने के बाद अब आपको ये वीडियो मिलने वाली है और आप YouTube पे देखने वाले हो, और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे दर्शन होने वाले हैं। मैंने जैसा कि बोला था, छोटे बड़े यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, और यहाँ पे मतलब जो हमारे क्षेत्रपाल हैं मथुरा के, जिनका नाम श्री रंगेश्वर महादेव, और जैसे कि चार नाम पृथक पृथक, पिपलेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, और उनके बाद हैं हमारे जो जन्मभूमि पे पढ़ते हैं गोकर्णेश्वर महादेव, जो कि आप गोकर्णेश्वर महादेव के भी दर्शन करने वाले हो। तो ये चार नाम पृथक हैं, जिनमें से दो के तो मैं दर्शन करवा चुका हूँ को अच्छी तरीके से, भूतेश्वर महादेव और रंगेश्वर महादेव, और अब आपको होने वाले हैं नेक्स्ट हमारे गोकर्णेश्वर या पिपलेश्वर महादेव के दर्शन, जो कि विश्राम घाट पर स्थित हैं पिपलेश्वर महादेव, और वहाँ जाने वाले हैं जो कि हमारे क्षेत्रपाल हैं, कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अपने फ्रेंडों तक जरूर करें। और ये वो रास्ता है जो मेन रोड से शुरू होती है, और ये पीछे आप जो देखोगे यही हमारे रंगेश्वर महादेव का मंदिर।